नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है व्यूअर स्टूडियो के पॉडकास्ट में। और आज विशुद्ध राजनीति में हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं विजय कौशिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम, स्वागत करते हैं विजय जी। धन्यवाद सौरभ भाई आपने यहाँ मुझे बुलाने के लिए और मान सम्मान देने के लिए। चुनाव पर चर्चा है और आम तौर पर बात यह होती है कि इलेक्शन को बमुश्किल 4 दिन बचे हैं, 3 दिन बीच में हैं, कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन और हैं, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। विजय भाई, जो कांग्रेस को जैसा महसूस हो रहा है कि आम तौर पर कांग्रेस को भीतराघात का खतरा है, खास तौर से ओल्ड फरीदाबाद में, और आरोप ये भी लग रहे हैं कि विजय कौशिक जी लगातार लखन कुमार सिंगला को हरवाने में लग रहे हैं। देखिए, इन आरोपों का मैं बड़ी ही ईमानदारी से जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी सुनाई दिया कि कांग्रेस कैंडिडेट ने कुछ कहा होगा किसी से, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, आपके एक राइट हैंड मिस्टर अशोक गोयल उर्फ अशोक कालिया हुआ करते थे, वो इस चुनाव में आपके खिलाफ वीडियो जारी करके कहते हैं कि आप दुकानों को बनवाने तोड़वाने की एवज में 20-20 लाख की वसूली करते हैं, आपके परिवार के जो लोग हैं उन्होंने आपके खिलाफ़ पर्चे बंटवाए, तो क्या वो मैंने बंटवाए थे? आपके परिवार के लोगों ने आपके खिलाफ़ तमाम तरह के एलिगेशंस, जिनमें हमारे भाई रोहित सिंगला जी भी थे, उन्होंने लगाए कि भी उनका दमन किया जा रहा है उनके चाचा द्वारा, तो क्या ये सब विजय कौशिक ने करवाए थे? या विजय कौशिक ने अपने प्रत्याशी लखन सिंगला से कहा था कि जाओ जाकर पब्लिक में झूठ बोलो हुड्डा जी के नाम पर, कि अगर किसी विधायक को 50 नौकरी मिलेंगी कोटे से तो मुझे 100 मिलेंगी? तो मैंने तो उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें हुड्डा जी की तरफ से समझाने के लिए एक मैसेज दिया था कि भाई, जो आप ये धड़ाधड़ अपने स्तर पर बीजेपी के लोगों की भर्तियां कर रहे हैं, ये कल को वापस भाग जाएंगे तो उस समय पार्टी की बदनामी होगी। और वही हुआ, देखिए जयजू ठाकुर आया, वापस भाग गया बीजेपी में। इस तरह से कितने ही बीजेपी के लोग, अरे आप दूसरी पार्टी वालों को बुलाकर सिर आँखों पर बिठाते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता को आप एक तरीके से इग्नोर करते हैं, तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? और मैं एक भविष्यवाणी और लिख लीजिए भाई, अभी तो मेरे ऊपर बुराई रखी जा रही है, आने वाले दिनों में हार का ठीकरा या किसी भी परिणाम का ठीकरा बलजीत कौशिक के सिर पर फोड़ा जाएगा, भाई रोहित सिंगला के सिर पर फोड़ा जाएगा, भाई हमारे पूर्व पार्षद अनिल शर्मा के ऊपर फोड़ा जाएगा। तो देखिए, हर आदमी अपनी हार का ठीकरा दूसरों के ऊपर फोड़ता है और हर कामयाबी का श्रेय खुद लेना चाहता है, जबकि हकीकत यह है कि हमने दिन रात इस क्षेत्र में मेहनत की। और एक छवि सबसे बड़ी बात है, हमने अपने कैंडिडेट से कहा, कहलवाया भी कि भाई, आप के बारे में जनता के बीच में मैसेज ये है कि भाई, आप लोगों से ये कह रहे हैं कि अच्छा, हमारे लिए काम नहीं कर रहे, हमारी सरकार आने वाली है देख लेना। अरे भाई, ये देख लेना क्या होता है? क्या हुड्डा जी आएंगे तो किसी को फांसी लगाएंगे? नहीं, हुड्डा जी सबको साथ लेकर चलते हैं। कल को अगर विपुल गोयल यहाँ से विधायक बन गया तो क्या विपुल गोयल को फांसी लगा देंगे हुड्डा जी? नहीं भाई, जो एक विधायक के कार्यक्षेत्र के तहत उनका जो हक मिलता है वो ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा 89 को मिलेगा। किसी की हार हो किसी की जीत हो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हुड्डा जी के मान सम्मान का ध्यान पहले रखना मेरी प्रायोरिटी है, उसके अलावा मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। हमने पूरी ईमानदारी से काम किया इस विधानसभा क्षेत्र में और कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। भाई आप ये देखिए कि प्रवेश मेहता किसका खास हुआ करता था, वो भी लखन सिंगला का खास हुआ करता था, मैं 50 लोग गिना सकता हूँ। आज वो प्रवेश मेहता भी बीजेपी में भाग गया और कितने ही लोग हैं, तो क्या कारण है ये तो कैंडिडेट को अपने अंदर भी झांक कर देखना होगा कि भाई, महेंद्र प्रताप इस विधानसभा क्षेत्र से हारे तो बाजार में क्या पोजीशन थी उनकी, कितने बूथों पर हारे। जब यहाँ महेंद्र प्रताप का चुनाव था तब भी कांग्रेसियों के भीतर एक बड़ा विवाद चल रहा था, उनके भीतर बड़ी आप समझ लें रस्साकशी चल रही थी। बलजीत कौशिक को वहाँ जो रोड शो था बाजार में महेंद्र प्रताप का, उसमें चढ़ने नहीं दिया गया, उन्होंने अपने समर्थक जुटा रखे थे वो नहीं पहुँचे। रोहित सिंगला ने अपने घर में चाय रखी महेंद्र प्रताप की, उसके यहाँ महेंद्र प्रताप जी को चाय नहीं पीने दी गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे, अनिल शर्मा के घर, पार्षद, पूर्व पार्षद अनिल शर्मा के घर महेंद्र प्रताप को चाय नहीं पीने दी गई। और
आप ये समझें कि विजय जी उस समय भी महसूस हो रहा था कि कांग्रेस में कहीं खींचतान है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनके चुनाव में तो सब लग रहे हैं और कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको लोकसभा चुनाव के बारे में बता दूं, जब जिस दिन मुझे पता चला, मुझे रोहित भाई ने शिकायत की कि भी महेंद्र प्रताप हमारे यहाँ चाय का प्रोग्राम देकर नहीं आए, अनिल शर्मा के यहाँ नहीं आए, तो मेरे महेंद्र प्रताप जी से बहुत पुराने संबंध रहे हैं, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने एक बात को लेकर अपनी गलती मानी। गलती क्या कि भाई बलजीत कौशिक को प्रोग्राम में बुलाया गया था रोड शो के लिए, और लखन सिंगला ने कहकर विजय प्रताप से फ़ोन करवाया बलजीत कौशिक के यहाँ कि भी हमारे प्रोग्राम में आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात से मुझे बहुत सदमा लगा था। इस बात का महेंद्र प्रताप जी ने भी माना कि उनकी ये गलती थी कि विजय को इस तरह से फ़ोन नहीं करना चाहिए था। महेंद्र प्रताप जी की हार क्यों हुई चुनाव में, मैं गारंटी से कहता हूँ वो जीतते, लेकिन क्या उन्होंने विधानसभा क्षेत्र वाइज अलग अलग ठेकेदार बना दिए? अब जैसे पिछले दिनों राजेश नागर ने एक खुलासा किया कि जो कांग्रेस पद के दावेदार थे, प्रत्याशी पद के भाई ललित नागर, उन्होंने जो है बीजेपी के लोगों की मदद की, यानी कि कृष्णपाल गुर्जर की मदद की उनके सभी लोगों ने, तो यानी कि महेंद्र प्रताप के साथ विश्वासघात हुआ। और महेंद्र प्रताप जैसे राजनेता से मैं कभी अपेक्षा नहीं करता था कि वो किसी के कहने से, क्योंकि महेंद्र प्रताप किसी के दबाव में नहीं आते, लेकिन उनको कहीं ना कहीं चाय के मामले में गुमराह किया गया और बलजीत वाले मामले में भाई विजय प्रताप ने फ़ोन करके मना किया। इस बात के लिए महेंद्र प्रताप जी ने मुझसे खेद व्यक्त किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने रोहित के यहाँ फ़ोन करके ये कहा था कि भाई मेरे को एक ये बताया गया कि प्रोग्राम में जाने के लिए आपके यहाँ समय नहीं है, आप दोबारा प्रोग्राम रख लो, मैं आपके यहाँ चाय पीने ज़रूर आऊँगा। लेकिन वो फिर उनकी अपनी नाराज़गी हो गई कि देखिए हमने लोगों को इकट्ठा किया, माला का इंतजाम किया, हर तरह से किया कि भी हम उनका आर्थिक सहयोग भी देना चाहते थे। तो मुझे बताइए कि जो इस तरह की राजनीति है, अब वही छल इनके साथ हो रहा है तो उसमें विजय कौशिक कैसे जिम्मेवार है? भाई जो छल दूसरों के साथ हुआ, महेंद्र प्रताप के साथ हुआ, वही अगर विधानसभा 89 में हमारे प्रत्याशी लखन सिंगला के साथ हो रहा है, उनके परिवार के लोग ही उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनके परिवार ही के लोग ही सामने कुछ कह रहे हैं, पीठ पीछे कुछ कह रहे हैं, तमाम तरह की बातें चल रही हैं बाजारों में, कुछ लालाओं की सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी देखिए हम तन से और धन से तो हम लखन सिंगला के साथ हैं। मैं इनकी भी मन की भी बता दो, क्या जी वो नहीं बताएंगे, वो तो हमें कहाँ वोट देनी है, हम वो तो आपको रिजल्ट ही बता देगा। तो इस तरह की लोगों में जब धारणा बन चुकी हो तो अपनी कमियों को देखिए, अगर मेरे अंदर कमी है तो मुझे दूर करनी पड़ेगी निश्चित तौर पर। आप कहते हैं भाई 30 साल वनवास आपको दे दिया, यानी कि आप 30 साल का वनवास कैसे कहते हैं, ये क्या सुनिए ना, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि हरकतें कोई अपनी नहीं देखता, अपने शब्दों पर कोई गौर नहीं करता। भैया मैंने कहा था कि भाई मैं जनता के बीच में जाकर कहूं कि भाई जो ज़्यादा बोलेगा मैं उसकी पेंशन कटवा दूंगा, हैं चुप हो जाओ नहीं तो मैं पेंशन कटवा दूंगा तुम्हारी, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और ये जो 30 साल के वनवास की बात है, वनवास का अर्थ ये होता है किसी को उस शहर से, उस देश से, उस क्षेत्र से भगा देना। यानी कि जब 30 साल से आप अगर फरीदाबाद 89 से बाहर भगा रखे थे पब्लिक ने, तो भाई आज आप यहाँ बीच में आकर दावा कैसे कर रहे हैं, कौन सा बनवास दिया था हमें? तो ये कहना चाहिए, मैं तो बार बार ये मैसेज देता रहा हूँ उनके बंदों को कि भी समझाइए, ये कहिए मैं शुरू से आपके बीच में रहा हूँ, आगे भी इसी तरह काम करूँगा। नहीं, 94 में पब्लिक ने जिताकर भेजा, पार्षद बनाया, तो 94 से 24-30 साल होते हैं, 5 साल आप पार्षद रह लिए, उसके बाद अगला चुनाव हुआ, अगले चुनाव में पब्लिक ने आपको पसंद नहीं किया, ठीक है। और आप ये समझें कि 2010 में जो पार्षद का चुनाव हुआ, उस पार्षद के चुनाव में उन्होंने अपने भतीजे रोहित सिंगला को चुनाव लड़ाया, रोहित सिंगला वो चुनाव जीत गए, पार्षद बन गए। अब कहाँ ये वनवास कैसे चल रहा है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो 30 साल का वनवास है, लखन कुमार सिंगला जी कह रहे हैं 30 साल से मैं वनवास में हूँ, मेरे पर कृपा करो, और थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं, तो ये 30 साल का वनवास कैसे है? मैं वही तो कह रहा हूँ ना सौरभ भाई, कि कहीं ना कहीं विचारों का और समझ का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वनवास उसको कहा जाता है कि आपको किसी क्षेत्र से बाहर भगा दिया हो जनता ने। अगर जनता ने बाहर भगाया था तो फिर आप जनता से उम्मीद क्या करते हैं, फिर आपको जनता से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चुनाव में हार जीत एक अलग विषय होता है, आप चुनाव की हार जीत को वनवास नहीं कह सकते। भाई
इस तरह से तो महेंद्र प्रताप भी कल को कहेंगे जी मुझे वनवास दे दिया पब्लिक ने, हैं? और फिर वनवास के लिए क्या आप भगवान श्री राम हैं क्या कि जो आप पब्लिक की इच्छा पूरी करने के लिए आपको देश त्यागना पड़ा तो है या समाज? नहीं देखिए, लखन वो लखन दूसरे थे, अब ये कलयुग है। अब मैं अगर कह दूं तो फिर वही गलत बात हो जाएगी ना। मेरे कहने का भाव ये है, आदमी कर्मों से राम बनता है, कर्मों से लखन बनता है। सीधी सी बात है कि भी आज चुनाव में तो देखिए सब एक दूसरे को गले लगाते हैं, हैं? चुनाव से पहले क्या आपका बिहेवियर रहता है? लोग हर चीज़ को काउंट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग चुनाव में, मैं किसी प्रत्याशी की बात नहीं कर रहा इसमें क्योंकि मेरा एक सामाजिक नज़रिया भी है, भैया जो इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के विजय कौशिक जी, लेकिन उससे पहले हमारे पत्रकार साथी हैं। और आप ये समझ लें कि फरीदाबाद में जो वीडियो जर्नलिज्म या आप कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत करने वाले जो पत्रकार थे, उन पत्रकारों में पुरोधा पत्रकार रहे विजय कौशिक, अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं लेकिन पहले पत्रकार हैं, मैं ऐसा समझता हूं। नहीं, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, मैं छठी क्लास से राजनीति में हूं। जब मैं छठी क्लास में था, मेरे फादर ने एमएलए का चुनाव लड़ा था और गरुड़ चुनाव निशान उनका था। पहली बात, महेंद्र प्रताप के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दूसरी बात, उसी समय से मेरे अवतार सिंह भड़ाना जी से संबंध थे। आप ये लगा लो, जब मैं तीसरी चौथी क्लास में था, जब मेरा पहला भाषण अवतार सिंह भड़ाना के सामने हुआ था, और उस भाषण के बाद उन्होंने, वो उस टाइम मंत्री बनाए गए थे देवीलाल की सरकार में बिगर विधायक होते हुए, बिना विधायक। तो मैं बचपन से राजनीति में रहा हूँ, मैं आरएसएस में भी रहा, मैं बीजेपी का सबसे युवा नेता था उस टाइम, 8-10 लोग हुआ करते थे। चूँकि मेरे ऊपर कांग्रेस का एक प्रभाव ज़्यादा रहा बचपन से मेरी सोच पर, क्योंकि मैं सर्वधर्म सद्भाव में यकीन रखता था। महेंद्र प्रताप जी से मेरे कोई आज के संबंध नहीं है, बहुत पुराने संबंध हैं। मतलब किसी भी नेता से आप बात करेंगे तो वो मुझे बचपन से ही एज ए पॉलिटिशियन जानता है। पत्रकारिता में शायद भगवान ने इसलिए भेजा कि लोगों के दुख दर्द को और नज़दीक से जान सकूं, समझ सकूं। मैंने वो काम भी बड़ी ईमानदारी से निभाया। सन 96 में मेरे राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर दूरदर्शन पर इंटरव्यू आया करते थे, उस टाइम कृषि दर्शन प्रोग्राम में, राष्ट्रीय समस्याओं के ऊपर दूरदर्शन में लोग मेरे से लोग मिलने आते थे। देखिए, नेता कौन है जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो? ये आजकल क्या है, चोरी करो, डाके डालो, पब्लिक में थोड़े टुकड़े फेंक दो और अपने ही लोगों से मालाएं डलवा लो, आजकल की राजनीति ये हो गई है। मैं चैलेंज करता हूँ भैया, जिसको अपने आप में ज़्यादा बड़ा नेता कहलवाने का शौक है वो बैठ जाए, वो फरीदाबाद की समस्याओं की बात कर ले और रोड मैप दे दे कि भैया मैं इन समस्याओं को ऐसे दूर कर दूंगा। मैं देश की समस्याओं की बात करता हूँ, मैं तो कितनी बार चैलेंज करता हूँ लेकिन कोई मिलता नहीं कि भाई जो उस चैलेंज को स्वीकार करके बैठे। देखिए, बात यह है, ये देश है तो हम हैं, ये हरियाणा है तो हम हैं। अगर हम देश के लिए नहीं जिएंगे, देश ख़त्म हो जाएगा। यहाँ प्रदूषण की बात और दूसरे जो मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे, आप जिन कैंडिडेटों के पास भी जाकर बात करेंगे तो पाएंगे आधे से ज़्यादा लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि फरीदाबाद की असल समस्याएं क्या हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अच्छे इंसान हैं, उनके नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जब मुझे लोगों से पता चलता है कि कोई व्यक्ति विशेष ये कहता है कि भाई उनके नाम पर हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, धरती पलट देंगे और ये देख लेंगे और वो देख लेंगे, तो मैं लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। भैया, हुड्डा जी के नाम पर अगर कोई आपसे एक रुपये भी आकर मांगे, आपको जरा सी भी कोई गुंडागर्दी दिखाए, किसी भी तरह का कोई हुड्डा जी के नाम पर कोई गलत काम करे, आप मेरे पास चले आना, मैं आपको हुड्डा जी के पास लेकर चलूँगा। आपको 24 घंटे के अंदर ये पता चल जाएगा कि हरियाणा के अंदर हुड्डा जी से बढ़िया नेता नहीं है। उनके नाम पर किसी भी तरह का कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति 24 घंटे के अंदर आपको जेल की सलाखों में मिलेगा, मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ पूरी ईमानदारी से। विजय जी, ईमानदारी से आप बताएं, अब ये जो फरीदाबाद की 9 सीटें हैं, आप तो खैर पूरे हरियाणा घूमते हैं, ये फरीदाबाद और हमारी जो सीमाएं हैं वो केवल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र है, क्या लग रहा है आपको कि क्या रहने वाला है यहाँ इन 9 सीटों पर? देखिए, हमें जो है कृष्णपाल गुर्जर के कारण नुकसान हो रहा है, वो मौजूदा सांसद हैं, मंत्री हैं भाजपा के, लेकिन हमें आमने सामने के विरोध में कोई नुकसान नहीं हो रहा। हमें नुकसान उन सीटों पर हो रहा है जहाँ उन्होंने अपने बंदे कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ घुसेड़ दिए हैं। ऐसी 2-3 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर कृष्णपाल गुर्जर जी कहीं और हैं,
और उनके बंदे जो है हमारे कुछ प्रत्याशियों के साथ घुस गए। विजय जी, कहा यह जा रहा है कि ये जो चुनाव है ये चुनाव कोई बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का चुनाव है। लोगों को चुनना है कि कृष्ण पक्ष के साथ जाना है या शुक्ल पक्ष के साथ जाना है। देखिए, आप मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, मेरे भाई हैं। मैं केवल ये कह सकता हूँ जिन सीटों पर अभी हमारी मजबूत पोजीशन है, जहाँ हम नंबर वन चल रहे हैं, उनमें भाई विजय प्रताप सिंह का नाम है बड़कल से, भाई नीरज शर्मा जी का नाम है, जी ठीक है, पृथला से रघुवीर तेवतिया जी का नाम है, इसके अलावा पलवल से हमारे भाई करण सिंह दलाल जी का नाम है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। अन्य क्षेत्रों से भी आकर लोग हमारे इन कैंडिडेटों की मदद कर रहे हैं। होड़ल से हमारे चौधरी उदय भान जी, जो कि दलित राजनीति का बहुत बड़ा चेहरा है हरियाणा के अंदर और प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। इसी तरीके से हतीन से हमारे मोहम्मद इजराइल जो है जीत रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर हमारी बहुत अच्छी स्ट्रांग स्थिति है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उसमें आप सभी का प्यार और सहयोग। इसके अलावा अगर हमारा कोई कैंडिडेट हारेगा तो अपनी निजी छवि के कारण हारेगा। कांग्रेस ने तो अपने हर प्रत्याशी को इतना कुछ दिया है शुरुआत से, कि अगर कैंडिडेट की छवि अच्छी हुई, उसके काम अच्छे हुए, लोगों को भरोसा दिला पाया, तो निश्चित तौर पर हम बहुत अच्छा गेन करेंगे, बहुत अच्छा गेन करेंगे। विजय जी, आपके साथ हम चर्चा में रहेंगे, हालांकि आपको 8 तारीख को फुर्सत नहीं मिलेगी। 8 तारीख को आप राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर रहेंगे और वहाँ नहीं, लेकिन मेरा वादा है कि चाहे किसी चैनल से मुझे समय काट कर आपके लिए देना पड़े, आप जो फरीदाबाद की जनता के लिए कर रहे हैं जी, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद, ये चर्चा थी विशुद्ध राजनीति में, और लगातार हम पर्सनैलिटीज़ को बुलाते हैं स्टूडियो में और उनके साथ बातचीत करते हैं, जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शहर में चल क्या रहा है। लगातार जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।